गुरुग्राम की राजपूत वाटिका में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की कोर कमेटी व राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक का किया गया आयोजन। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने कुलदीप सिंह तंवर, कुमार कौशलपाल सिंह एडवोकेट पूर्व विधायक मथुरा। आज गुड़गांव में क्षत्रिय महासभा का सम्मेलन हो रहा है, जिसमें चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई। इस अवसर पर मैं सभी हमारे सम्मानीय बंधु लोग आए हुए हैं, हमारी सम्मानीय बहनें हैं, मैं उन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं ब्रजभूमि की तरफ से। आज चुनाव हुआ, निर्बोध चुनाव हुआ और श्री कुलदीप सिंह तंवर साहब को निर्बोध सभा का अध्यक्ष चुना गया है। मैं इसके लिए बहुत बहुत उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और सभी बंधुओं को बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक मत से इस तरह के कार्य करने के लिए जीत दिया। हमें पूरे हिंदुस्तान के हमारी प्रतिनिधि, पूरे जिले तक प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री और जो पदाधिकारीगण सभी लोग हाजिर हुए हैं और भारी संख्या में सभी लोग आए हुए हैं, मैं उन सभी का स्वागत भी करता हूँ। मैं रणवीर सिंह महेंद्रवास राजस्थान से हूँ और राष्ट्रीय महामंत्री हूँ और आज हम यहाँ पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में श्री कुलदीप सिंह जी तंवर, जो यहाँ हरियाणा के हैं और हमारे यहाँ राष्ट्रीय महामंत्री हैं अखिल भारतीय पूर्व में, उनको हम अध्यक्ष चयनित किया है। सभी ने एक मत से होकर के और कुलदीप सिंह जी तंवर को राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चयनित किया है। हम जो है इसका सभी लोगों ने समर्थन किया है और मैं ये आशा करता हूँ कि इनकी अध्यक्षता में हमारी जो ये क्षत्रिय महासभा है वो क्षत्रियों के उत्थान के लिए काफ़ी काम करेगी। विशेषकर आज मेरी वार्ता हो रही थी हमारे पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष से, पूछा रहे थे कि विशेषकर महिलाओं की जो शिक्षा है उस पर हम ज़्यादा जोर दें। वो महिला शिक्षा है, महिलाओं का उत्थान है, वो हमारे क्षेत्रीय समाज में कुछ हल्का है, हम उसको बढ़ाना चाहते हैं और यही मेरा जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं उनसे निवेदन है कि वो इस पर विशेष ध्यान दें और इसको आगे से आगे बढ़ाएँ, ताकि जो महिलाएं हैं या जो हमारी बच्चियां हैं वो आगे बढ़ें और ये समाज इनके पढ़ाई से ही आगे बढ़ेगा। साथ ही शिक्षा का महत्व तो बहुत बड़ा हो गया है। सभी समाज के बंधुओं से मेरा निवेदन भी है कि अपने बच्चों को जितना अधिक पढ़ा सकते हैं, जिस फील्ड में पढ़ा सकते हैं पढ़ाएं, पढ़ाई से ही समाज की उन्नति होती है, यही एक सबसे बड़ी चीज़। मैं कुलदीप सिंह तंवर, अभी मेरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा चुना गया है और ये मैंने सोचा भी नहीं था कभी, अभी मैं इस सभा का अध्यक्ष बनूंगा। जैसे ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनका स्वर्गवास हुआ, स्वर्गवास के उपरांत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर सिंह भदौरिया जी का देहांत हुआ, हॉस्पिटल में भी मैं उनसे मिला कई बार, तो मैंने उनकी धर्मपत्नी से सरोज भदौरिया जी से बात की। मैंने उनको वैसे ही सांत्वना देने के लिए बात की थी तो उन्होंने अपने आप ही कुछ दिन के बाद उन्होंने अपने आप ही मेरे को कहा कि आप अब ये जिम्मेवारी संभालेंगे तो कैसा रहेगा। तो मैंने सोचा भी था कि गुलाब सिंह जी हैं महामंत्री, उन्होंने भी ये कहा कि आप जिम्मेवारी संभालें तो कैसा रहेगा। बाकी ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना गया हूँ और सबके आशीर्वाद से, सबसे कोऑपरेशन से, सबकी सलाह लेते हुए, जैसे रणवीर सिंह महेंद्रवास जी ने कहा है और कुशलपाल सिंह जी एक्स MLA जो मथुरा से हैं इन्होंने कहा है, तो इनके सबके आशीर्वाद से संगठन को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा। हमारे भदौरिया साहब बड़े मेहनती थे और ताउम्र बीमार होते हुए भी वो संगठन के बारे में ही ज़्यादातर सोचते थे, तो उन्हीं के पदों के पदचिन्हों पर चलते हुए पूरी कोशिश करूँगा, निष्ठावान और पूरी प्रतिष्ठा बनाते हुए संगठन की तो काम करूँगा। इसमें सर जो अध्यक्ष की जिम्मेवारी होती है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सारे हिंदुस्तान में। जैसे रणवीर सिंह महेंद्रवास ने जी ने भी कहा है, अभी हम अपने स्त्रियों की भागीदारी इसमें संगठन में ज़्यादा करें और हर प्रदेश में नए नए आदमियों को जोड़ें, अपने राजपूत समाज की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाएं। जैसे हमारे राजपूतों का गौरव था उसी गौरव को हम वापस लाने की कोशिश करेंगे, यही हमारा। पहले तो मैं सभी को नमन करती हूँ, सभी प्रदेशों से आए हुए लोगों को और राष्ट्रीय कार्यकारिणी को और कोर कमेटी के लोगों को। मैं चाहती हूँ
जो उन्होंने मेहनत करके इस स्तर तक इसको पहुंचाया है, इसको आप लोग मिलके आगे चलाएं और इसकी दिनों दिन बढ़ोतरी हो। साथ ही इस समाज में लोग एक दूसरे को काटने के न सोचें, आपस में मिलके रहें। इसीलिए मैं विशेष कर आई हूँ, जो कि हमारे अक्सर कर आगरा में ज़रूर होता है, समझे। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा कोई काम हो कि लोग ये सोचें कि आज वो नहीं है तो आज ये हो गए तो मैं इनको अध्यक्ष मान लिया तो अगले को छोड़ दिया, ऐसा न सोचें। समाज में आदमी को रह के एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे के काम आना चाहिए, जो जिस लायक है। ये नहीं है कि हम बहुत बड़ा काम कर लेते हैं तो बहुत बड़े काम आए, और कोई छोटा काम जानता तो वो छोटे काम आए, लेकिन ज़रूर एक दूसरे का सहयोग करें, यही मेरी आपसे गुजारिश है। जी सर, मैं राष्ट्रीय महामंत्री गुलाब सिंह लखनऊ से आया हूँ। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।